एक दो तीन चार पांच और डाल दो। छह आठ साढ़े आठ 8.5। दीपक भाई आपने जो राठी गाय की अभी मिल्किंग करी है जी, जिसका अभी हमने दूध कैलकुलेट किया 8.5 लीटर यानी कि 8.5 लीटर अभी दिया है इसने। ये तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, इसकी हिस्ट्री थोड़ा। आपके घर पे ही लाल कब लेके आए थे आप इस गाय को? ये जो दूसरे लैक्टेशन में लेके आए थे इसको, और अभी थर्ड लैक्टेशन में है। हाँ अभी थर्ड लैक्टेशन में है। इसके नीचे अभी हमने मतलब ब्याई अभी भी है, इसके नीचे ठंड हो रही है थोड़ी सी। सुबह दूध करीब 5:45 बजे निकाला है और अभी 4 बजे, तो 4 बजे दूध निकाला है तो 8.5 लीटर अभी हुआ है। और बच्चे को भी पिलाया है, जैसे कि आपने देखा है अभी बच्चे को दूध पिलाया है पहले, और अभी बच्चे को दूध पिलाने के बाद 4 बजे दूध निकाला है और 8.5 लीटर हुआ है। तो इसका मतलब ये कि 20-21 लीटर अभी भी है इसके नीचे तैयार। 20 लीटर दूध है इसका? हाँ 20 लीटर से ऊपर। हाँ 20+ है, क्योंकि सुबह ज़्यादा देती है गायें हमेशा। हाँ गाय हो या भैंस हो, उसकी सुबह हमेशा वो ज्यादा दूध, क्योंकि सुबह शाम के टाइम पे कम देती है। हाँ, क्योंकि दिन में कोई आदमी आ रहा है जा रहा है, ये फिर घूमने भी, ज्यादा दूध वाली गाय जो घूमती है तो उसमें वो रेस्ट नहीं कर पाती। जब तक रेस्ट नहीं कर पाएगी गाय बैठेगी नहीं, तो नसों में दूध नहीं बनेगा, दूध नहीं दे पाएगी वो इतना। तो ये रेस्ट यहीं रहती थी, तो आज ही इसको गोचर भूमि के लिए जहाँ घूमने जाती हैं हमारी और गायें हैं जितनी, तो आज इसको भी भेजा था, क्योंकि करीब महीने के आसपास की हो चुकी है ब्याई, तो आज इसको वहाँ भेजा था। और 20 लीटर तो आप मान के चलो कि 20 लीटर तो है इसके नीचे अभी। इस गाय की और क्या खासियत है? इस गाय की खासियत ये है कि जहाँ तक मैंने जितनी गाय राठी देखी हैं, दूध लंबे टाइम तक देती हैं। अच्छा। जैसे हमारे पास अभी 1-2-3 गाय और हैं, ये 4 हमारे पास राठी गाय हैं अभी। तो एक गाय अभी है जिसको हम ड्राई कर रहे हैं जी, करीब 1.5-2 महीने में वो ब्याह जाएगी जी। ठीक है, वो 7.5-8 महीने की नहीं हो चुकी हैं, 9 महीने की, 8 महीने की हो चुकी हैं। तो उसको पिछली बार भी हमें पता नहीं था, पिछली बार हम वो पहले लैक्टेशन में थी तो वो लेके आए, तब हम दूसरी जो राठी गाय है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो लेके आए हम, तो उसके नीचे करीब 8-10 लीटर दूध था। तो बोले कि 3 महीने की नहीं है, मतलब नए दूध हो चुके हैं 3 महीने की वो। ठीक है, तो भाई मतलब हमें उनको डेट फिक्स याद नहीं थी, हमें भी बताया नहीं, तो हम दूध निकालते रहे। तो इसका जब ये पेट से लगने लगे कि हाँ भाई ये नए दूध है और ये दोबारा ब्याएगी, तो हमने पिछली बार यूँ मानो कि 2-4 दिन से ही दूध नहीं निकाला बस उसका, वो ब्यागी। हाँ और हाँ बिल्कुल इसी तरीके से ये है, इसने करीब ये मान के चलो आपकी 10 महीने के करीब इसने दूध दिया 10 लीटर। अच्छा। हाँ पिछली बार हम लेके आए थे इसको तो उसने 17-18 लीटर दूध हमें दिया था, और ये बिना बच्चे की थी। अच्छा। सेकंड लैक्टेशन में ये बिना बच्चे की थी और इसने करीब 17-18 लीटर दूध हमें दिया था। अभी तो बच्चा है और दूध इसका हमने 24 लीटर अभी नापा है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि जो राठी गायें हैं, एक शरीर भी इनका ढीला होता है और इनका स्वभाव भी नरम ही होता है, तेज स्वभाव की राठी गाय नहीं होती। और जो ये दूध जो इनका टाइम पीरियड है देने का वो लंबा होता है। अच्छा।
अच्छा, लास्ट टाइम इसने कितने दिन पहले दूध देना छोड़ दिया था? इसका हमने ड्राई किया था इसको। आपने खुद ही ड्राई किया? कितने दिन पहले? करीब इसको किया था डेढ़ दो महीने पहले। डेढ़ दो महीने पहले खुद ड्राई कर? हाँ, खुद मतलब कोशिश की कि भाई इसको जो बाट वगैरह था वो बंद कर दिया, सूखा तोड़ा डालने लग गए जिससे कि भाई दूध इसका कम हो जाए, क्योंकि एकदम ड्राई नहीं कर सकते। दूध थनों में दूध रहेगा, थन में दूध रहेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, थन खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो फिर इसके आगे जो चारा है वो धीरे धीरे कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, सूखा तूड़ा डालने लग जाते हैं, फिर दूध से घट जाती है। घटने के बाद फिर जैसे कि भाई एक टाइम छोड़ देते हैं, फिर दो टाइम छोड़ के एक टाइम निकाल लिया, फिर तीन टाइम छोड़ के, फिर इसी तरीके से इसको ड्राई कर देते हैं, इसका दूध सुखा देते हैं। क्योंकि अगर जो अच्छे दूध वाली गाय है उसको कम से कम हमें दो ढाई महीने पहले उसको ड्राई करना चाहिए। वो नेक्स्ट जो टाइम आएगा उसका लैक्टेशन आएगा, जैसे कि सेकंड में उसको फिर उसको ड्राई करना है अच्छे दूध वाले को, तो दो महीने तो कम से कम उसको ड्राई करो। अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक हम मिल्किंग करते रहते हैं और डिलीवरी नज़दीक आ जाती है, क्या उसका नुकसान भी होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जैसे ये नसें होती हैं, जो खाया पिया है जो बच्चे को लगना चाहिए वो नहीं लग पाता। अच्छा, आने वाला जो बच्चा है उसकी हेल्थ डाउन हो सकती है? हेल्थ डाउन होने की संभावना भी होती है। और जो नेक्स्ट लैक्टेशन में जो अभी वो जैसे कि भाई ब्याएगी बच्चा देगी, हाँ बिल्कुल, तो वो उसमें जो उसका वो अपनी तरफ से जो पूरा दे सकती है वो संपूर्ण तरीके से नहीं दे पाएगी, क्योंकि गाय तीसरे और चौथे लैक्टेशन में ज़्यादा दूध देती है, मतलब जो उसका पीक टाइम होता है सबसे ज़्यादा दूध देने का, तो वो तीसरे और चौथे में ही होता है। तो हम ड्राई नहीं करेंगे गाय को, दूध निकालते रहेंगे, तो वो जो उसका जो मज़ा है दूध देने का, उसकी कैपेसिटी है, उसको नहीं देख पाएंगे हम, ना ही वो अपनी कैपेसिटी तक दूध दे पाएगी। राठी गायें कहाँ से खरीदनी चाहिए? राठी गायें अपनी राजस्थान से ही मिलती हैं ज़्यादातर राठी गायें। कोई डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से खरीदी जा सकती है राठी गाय? ये अपना जो सूरतगढ़ के आसपास से भी, जो अपना सिरसा से आगे चलते हैं हनुमानगढ़ हो गया, जहाँ पे साहिवाल हैं, साहिवाल पहले वहाँ होती थी, ज़्यादा होती थी, अब तो अपने जहाँ ये हरियाणा के हैं आदमी, उन्होंने मतलब वहीं से लेके आते हैं क्योंकि हमें वहीं का पता है ज़्यादा। तो राठी गाय अगर देखते हैं तो वहीं मिल जाती है। और राठी गाय की एक खासियत ये भी है कि साहिवाल के कंपेयर में ये सस्ती भी हैं, और भारतीय नस्ल की गायें हैं, दूध की क्वालिटी, दूध की क्षमता, प्रतिरोध क्षमता वो सब बराबर होती है। दूध का टाइम देने का है वो भी लंबा होता है, और स्वभाव से भी सुशील होता है इनका स्वभाव। अच्छा, राठी में बताते हैं कुछ बीमारी ज़्यादा लगती है, कुछ ऐसा है क्या? ऐसा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि कोई इसमें ज़्यादा बीमारी लगती है। इसमें बताते हैं कि जो गर्भाशय दिखाने की जो समस्या होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। देखो जी, भारतीय जितनी भी भारतीय नस्ल की गायें हैं, जब तक हम उनको घुमाने के लिए नहीं लेके जाएंगे, गोचर भूमि में नहीं लेके जाएंगे, दूध वाली गाय भारतीय नस्ल की गायें हैं जितनी भी हैं, उनको अगर 4-5 किलोमीटर प्रतिदिन हम उसको घुमा के लाएंगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है कभी भी। बिल्कुल सही बात, क्योंकि गाय पहले चरने के लिए ही होती थी। बिल्कुल, चरेंगी तो तभी दूध दे पाती थी, चरने से नए दूध भी टाइम पे होती हैं, और जो दूध देने की क्षमता है वो भी अच्छी बनी रहती है उनकी, और जो दूध देने का जो टाइम है वो भी लंबा रहता है, और बीमारियों से भी दूर रहती हैं। बिल्कुल सही बात, आपने सही बताया कि जो गायें डेली घूमती है 5-10 किलोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद उसको डाइट अच्छी मिल जाती है, बिल्कुल, तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि घूमेंगी तो घूमने से सबसे पहले सिस्टम क्या होता है कि गाय है या कोई भी पशु है, अगर उसको हम एक खूंटे से बांध के रखते हैं तो अपना जो खाना है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते अच्छे से, तब वो नहीं घुमाएंगे नहीं तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे वो फिर अच्छा मतलब जैसे कि भाई रेगुलरिटी में जो फीड है वो नहीं खा पाएंगी, वो फीड नहीं खा पाएगी तो उसकी प्रॉब्लम होगी, दूध कम होगा, दूध के लिए फिर हम और ज़्यादा फीड अलग अलग तरह की ट्राई करेंगे, उसका पेट बंदे बंदे का भाई वो खूंटे से बंदी रहेगी तो उसका पेट ख़राब हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और बाहर घूमने जाएंगी तो उसका एक फ़ायदा नहीं है, बीमारियों में भी फ़ायदा है। जब तक हम मतलब कोई भी फार्म है भारतीय नस्ल की गाय का, कोई भी फार्म है, गौशाला है, जब तक हम गायों को नहीं खोलेंगे घुमाने के लिए, उसको 4-5 किलोमीटर तक नहीं घुमा के लाएंगे, तब तक मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि
सक्सेस आदमी गायों को लेके हो जाएगा, ठीक है, वो अपने साथ और अपने परिवार के साथ या अपने समाज को लेके साथ बढ़ सकता है, लेकिन जो मज़ा चरा के लाएंगे गायों को उसमें जितना भी बढ़ेगा वो वैसे नहीं बढ़ सकता इतना। दीपक सर एक चीज़ और बताइए, देसी गोपालन करने में समस्याएं कहाँ कहाँ आती हैं? बात यह आती है कि अगर हम अपने आप काम करते हैं तो हमें काम करने का एक तरीका भी पता चल जाता है कि कैसे दूध निकलता है, कैसे गायों की सेवा की जाती है, कैसे उनका मतलब पेट भरा जाता है, कैसे काम चलता है। और सबसे पहले फार्मों में प्रॉब्लम क्या आती है कि लेबर की प्रॉब्लम होती है। अगर हम शुरू में 30 गायें रखते हैं, 40 गायें रखते हैं, ज़्यादा पैसे लगा के गायें ले आते हैं और वर्कर नहीं मिलते हैं, भाग जाते हैं, तो फिर वो कैसे काम करेगा? अगर वो 2 गायें से 4 गायें से 10 गायें से शुरू किया होगा उसने, तो वो उस समय नुकसान नहीं उठा पाएगा। सबसे मेन बात, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है। और तब तक उसको पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है कि कम गायों से शुरू करें। उसका कारण ये है कि खुद करेगा तो उसको बीमारियों का भी पता चलेगा कि कैसे बीमारी आती है गाय में, क्या बीमारी आ रही है, दूध कैसे निकलता है, उनका मतलब पूरा दिन की दिनचर्या क्या है, कैसे उनको चारा डालना है, ठीक है। तो धीरे मतलब थोड़ी गाय लेके आएंगे तो वो सारी चीज़ें वो खुद स्वयं कर सकता है, ठीक है। और लेबर बाय चांस अगर ज़्यादा गाय ले आता है और लेबर नहीं मिल पाती है उसको, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। अगर आदमी को लेबर नहीं मिल रही है काम करने उस मालिक को, तो उसका काम वहीं ख़राब हो जाता है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है हमारे। उसके बाद फिर हमें उससे कम गायें लेके आते हैं, दूध के हिसाब से गाय बढ़ाते हैं, तो हर सिस्टम एक सेटअप के मतलब एक अच्छे तरीके से चलता है, दूध बढ़ता रहता है, इधर गाय बढ़ती रहती है, इधर गाय नॉलेज, किसी के पास भी अगर 50 गाय भी हो जाती हैं, दूध वाली 50 गाय भी हो जाती हैं, फिर भी उसको दूध 4-5 गायों का अपने आप निकालना चाहिए। टाइम के हिसाब से 4 उसका निकाल दिया उस टाइम पे, 4 उसका निकाल दिया, क्योंकि पता चल जाता है आदमी को समय में ध्यान रखना पड़ता है कि किसी के धन थन में कोई प्रॉब्लम है, कोई बाट नहीं खा रही है, किसी को बुखार है, किसी को उफारा हो रखा है, किसी को कुछ हो रखा है। अगर वो उनके अंदर ही मिल्क का पूरा दिन कहीं भी रहे, बाहर रहे आदमी अपना मतलब दूध देने जा रहा है या घी बना रहा है या किसी और दूध के किसी और प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, तो वो काम करता रहे पूरा दिन, लेकिन सुबह शाम मिल्किंग टाइम पे वो वहीं होना जरूरी है। उसको अपने आप देखना होता है कि भाई कौन गायें चारा खा रही है, नहीं खा रही है, किसको क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर आदमी ऐसे ध्यान देता रहेगा तो किसी भी फार्म में अगर नुकसान होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि गायें पालने का सौभाग्य किसी किसी को मिलता है, ठीक है, और जिसको सौभाग्य मिलता है गायें कभी किसी का नुकसान नहीं होने देती। जो अपने दिल से सेवा करता है उसका कभी नुकसान नहीं होता है, फिर भी उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान आदमी रखता है, भाई फार्म का मालिक है वो रखता है, तो कभी लॉस में नहीं जाता। बिल्कुल, बहुत सही बात बताई आपने दीपक सर। तो आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि इंसान को जब कोई फार्म नया स्टार्ट करता है तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, उसके पास ओपन स्पेस हो। बिल्कुल। नंबर 2 बात, वो खुद उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट करे। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 3 बात कि जब जितना भी उसका बजट है उसके कम से कम भी उसको शुरुआत एक चौथाई भाग से करें। बिल्कुल। और नंबर 5 बात, अपनी जो गायें हैं उनको डेली 5 से 6 किलोमीटर डेली घुमाएं ताकि वो स्वस्थ रहें और दवाइयों का खर्चा और बीमारियों का जो इफेक्ट है वो उनकी गायों पर ना आए, उनके हार्ट पे ना आए। और अगर हार्ट साइज ज़्यादा है तो नंदी जरूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 5 चीज़ें हैं इनका अगर कोई ध्यान रखता है तो शायद वो जरूर सक्सेसफुल हो। इसमें एक चीज़ और है, वो हमारा अहम हिस्सा है, जैसे कि डाइट। जो गायें हैं उनके लिए डाइट क्या डाली जाए, बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में। अगर कोई आदमी 5 लाख से भाई 5 गायों से 10 गायों से शुरू कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि भाई सबके पास अच्छे पैसे हों, और अच्छे पैसे ज़रूरी नहीं है होना। तो जिसके पास कम पैसे हैं वो अच्छी डाइट कैसे दे उनको, और अच्छी डाइट कैसे दे, मेरा मानना ये है कि जो भी जितनी भी दालें हैं, जितनी भी किसी भी मतलब कंपनी से, वो डायरेक्ट पहले शुरू में बाट मतलब फीड है वो ना खरीदे। अच्छा। वो फीड अपने आप बनाए। फीड में जैसे बहुत सारी दालें हो जाती हैं, जैसे कि मूंग की दाल होगी उसकी कुट्टा लें, मोठ की दाल का कुट्टा लें, उड़द की दाल का कुट्टा लें,
ये कुट्टे अलग अलग लें, चने का छिलका ले सकते हैं, चने का कुट्टा ले सकते हैं, गेहूं का चोकर ले सकते हो। गर्मियां हैं तो जो अपना जो होता है जो वो ठंडा होता है वो आप ले सकते हो, ठीक है। और जैसे कि गर्मियां सर्दियां होती हैं तो उसकी जगह आप बाजरा ले सकते हो, और बारह मास के लिए आप 12 के 12 महीने के लिए आप मक्का ले सकते हो, वो आप गर्मी में भी डाल सकते हो और सर्दी में भी डाल सकते हो। तो ये और जितना भी ये और अपना बिनोले की खल हो होगी, ठीक है, और भाई सरसों की खल होगी, ये इन सारी चीज़ों को मिक्स करो अपने, अलग अलग लेके आओ। कोई चीज़ अलग अलग लेके आएंगे हम तो वो प्योर भी होगी और अच्छी भी होगी, और वो मेरे को लगता है कि वो सस्ती भी होगी, क्योंकि कोई भी फीड बनती है ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ही बनती है। और कोई भी कंपनी है, कोई किसी भी फीड की कोई भी कंपनी है, उन सारी चीज़ों को मिक्स करेगी, मिक्स करके बनाएगी। कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी, अगर वो फीड 22 रुपये किलो दे रही है तो ये हमें अलग अलग फीड कोई 15 रुपये किलो पड़ेगी, कोई 17 रुपये पड़ेगी, कोई 18 पड़ेगी, सब कुछ मिला के 20 हो जाएगी। लेकिन हमें तसल्ली तो रहेगी कि हम अपने जो गायें हैं, अपने जो पशु हैं, उनको क्या खिला रहे हैं, असली चीज़। हाँ, हम क्या खिला रहे हैं, जो दुधारू गायें हैं उसको कम से कम डेली कितना बाट खिलाना चाहिए, कम से कम कितना खिलाना चाहिए, उसको सूखा 3 किलो एक टाइम का, 6 किलो आप कम से कम मान के चलो, कम से कम। अच्छा, पूरे दिन में दुधारू गाय को कम से कम 6 किलो अनाज जरूर खिलाएं। हाँ, 6 किलो अनाज हम कम से कम खिलाएं। वो जैसे कि दूध के ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई 20 किलो से ऊपर है तो उसको 2 बार की बजाय 3 बार भी खिलाना चाहिए, क्योंकि 1 बार ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, तो 3 बार खिलाओ, थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ, तो उसको 6 किलो के बजाय 7, 7.5, 8 किलो तक हम कर सकते हैं। और कुछ गायों की कैपेसिटी भी देखी जाती है, कैपेसिटी के हिसाब से भी खिलाना चाहिए, लेकिन एक ओवरऑल एवरेज हम निकालते हैं तो पर डे की 6 किलो कम से कम होना चाहिए दूध वाली गाय की। जो ज़्यादा हम अनाज खिलाते हैं तो उसमें पेट में कीड़े होने की समस्या रहती है, पेट में कीड़े होने की समस्या रहती है, लेकिन अगर हम कोई 10 तरह का अनाज खिलाते हैं तो वो मिक्स अनाज हो जाता है। और जैसे भी वही तो मैं बता रहा था कि जो हमने वो जितना भी जो हमारा जो फीड है बांट है उसको हम सभी को एक जगह खोल देते हैं, उसमें कम उसमें जैसे कि अगर हम 2-2 क्विंटल सारी चीज़ें खोलते हैं तो उसमें 20-15 किलो 10 किलो 15 किलो उसमें नमक डाल दो, उसमें 2-3 किलो जो मीठा सोडा होता है वो डाल दो, वो हजमा अच्छा करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें डाल दो उसमें, फिर मिक्स करके उसको फिर अपना मतलब खिलाते रहो। फिर वो घूमने भी जाती है तो डाइजेस्ट हो, हाँ, डाइजेस्ट भी हो जाती है, रहती है, बिल्कुल रहती बिल्कुल है, तो उसमें ठीक रहता है। हाँ जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर आपका, आपने जानकारी हमारे साथ शेयर की, और जिस तरह से 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं आपके, और 2 गायों से आपने आपका जो दुधारू गायें आपके पास केवल 50 से ज़्यादा हो चुकी हैं जी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, भविष्य के लिए शुभकामनाएं।